एंड थोड़ा बहुत ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतनी ज़्यादा वंडरफुल रेसिपी जो जिसका इस्तेमाल अगर आप इन सर्दियों में करते हो तो आपको अपनी स्किन का सबसे बेस्ट वर्जन मिलने वाला है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हमारी स्किन ड्राई रूखी हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन पूरे हमेशा ड्राई रहती है। उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि अलग अलग स्किन टाइप होती हैं। जिनके स्किन या सीबम में ऑयल का सिक्रेशन कम होता है उनकी स्किन ड्राई रहती है, लेकिन सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वाइट वाइट सी पपड़ी ये निकलती है एंड स्किन अनइवन रहती है। कई बार समय से पहले ही झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो अगर ये सारी दिक्कत अगर आपको है तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पे विजिट किया है। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, तो बेसिकली मैं आज बात करने वाली हूँ जो कि रॉ मिल्क की, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हमारी स्किन के लिए। कि मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, बहुत सारे बहुत अच्छे मिनरल्स, विटामिन, इसके साथ ही साथ प्रोटीन, जो कि हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हमारे स्किन से दाग धब्बे रिमूव करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन को 1 से 2 टोन तक फेयर करता है। एंड आप तो मिल्क की सबसे बड़ी क्या खासियत है कि ये बहुत अच्छा क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, मतलब कि क्लेंजर आपकी स्किन को, आपके चेहरे को, आपके स्किन के पोर्स को अंदर तक, डीपली पोर्स के अंदर तक जाके गहराई से साफ करता है, जिससे कि आपको पिंपल्स वगैरह नहीं होते, एक्ने नहीं होते। क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करके सॉफ्ट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी। इसके साथ ही साथ हाइड्रेशन लंबे समय के लिए लॉक करेगी। इन ऑल स्किन टाइप वाले कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑयली स्किन वाले कहते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो और ऑयली हो जाएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट, उन्हें पता है कि आपके स्किन, आप बेसिकली वो आपके स्किन के जो पीएच है उसे बैलेंस करती हैं, मेंटेन करती हैं। मतलब जितने ऑयल की ज़रूरत उतना ही वो मेंटेन करके रखती हैं। तो इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस है। इवन कह सकते हैं कि ऑल स्किन टाइप वाले इस रेमेडी को कर सकते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं, जो कि बहुत ही सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट है जो कि बेसिकली आपको इजिली अपने घरों में ही मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करके आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। आप मार्केट बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होता है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा क्लेंजर है, ऐसा मॉइस्चराइजर है या फिर ऐसा टोनर है जो कि ना ही आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, उसके साथ ही साथ आपके पोर्स को अंदर तक डीपली साफ करके आपके पोर्स को श्रिंक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा टोनर है। तो दोस्तों करता है, अगर आपकी स्किन अनइवन है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा पैची है, स्किन से पपड़ियाँ निकल रही हैं, आपने बहुत कुछ यूज़ किया है, तो दोस्तों एक बार इसका भी इस्तेमाल करिए। तो जो रेमेडी मैं आज लेके आई हूँ दोस्तों, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो लगातार 8 से 10 दिनों तक, तो आपको विजिबल रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ, इसने वाकई बहुत ही वंडर। बेसिकली हमें रात में करना है इसको, करने के बाद आप डायरेक्ट सनरेज में ना जाएं। इसके साथ ही साथ दोस्तों दूध जो है आपकी अगर स्किन में सन टैन हो गया उसे भी रिमूव करता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है उसे भी ये धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि इसमें जो ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है। जब आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी, प्लम रहेगी, तो आप तो आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं आएंगी। तो चलिए, तो हमें क्या करना है, आपको लेना है सिर्फ 2 चम्मच दूध, रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप बॉयल्ड मिल्क भी ले सकते हैं। उसके साथ हमें लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, एंड एलोवेरा जेल के साथ आपको लेना है हनी। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके दोस्तों ये जो पैक बन गया है, ये जेल बेस्ड, ये एक अच्छे क्लेंजर का काम भी करेगा, अच्छे मसाज क्रीम का भी काम करेगा। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन को टोन्ड भी करेगा, मीन्स आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन को टाइटन करेगा, इवन आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बन गया, तो मैं इसे बता देती हूँ आपको किस प्रकार से। आप इसे किसी कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस मिक्सचर को लगा के आपको फेस पे सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक के लिए मसाज करना है, और उसके बाद इसे हमें 15 मिनट के लिए छोड़ देना। जब ये सूख जाए तो इसे हल्के गुनगुने पानी से वॉश करना है दोस्तों, इसे रात के टाइम में करना है। एंड इसके अलावा आप जब इसे करें तो इसके पहले आपका फेस बिल्कुल पूरी तरीके साफ़ होना चाहिए।
तो दोस्तों मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो इंस्टेंट रिजल्ट। मीन्स आपकी स्किन फर्स्ट यूज़ के बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग आपको फील होगी। तो दोस्तों आपको इस रेमेडी को लगातार 10 से 15 दिन तक करना है, क्योंकि कुछ कोई भी चीज़ वर्क करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है। तो दोस्तों अगर आप इसे करते हो तो बिलीव मी आपकी स्किन का आपको बेस्ट वर्जन आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।